देश के गृह मंत्री अमित शाह। आज तक के एंकर सुधीर चौधरी। गुल्लू के नाम से बदनाम अमीश देवगन। अंजना ओम मोदी के नाम से मशहूर अंजना ओम कश्यप। इस तस्वीर में आपको बीजेपी के बड़े बड़े नेता नजर आ रहे होंगे। मोदी सरकार के मंत्री नजर आ रहे होंगे और साथ में नजर आ रहे होंगे इस देश की मीडिया को चलाने वाले चाटुकार, मेरा मतलब है पत्रकार। ये लोग खुद को पत्रकार ही कहते हैं और दावा करते हैं कि हम मीडिया वाले लोकतंत्र का चौथा खंभा हैं। भारतीय लोकतंत्र के तीन खंभों में से एक हमारी विधायिका यानी हमारी संसद के नए भवन का उद्घाटन हुआ तो ये सारे मनु मीडिया के पत्रकार भी वहां पहुंच गए। बीजेपी ने अपने चहेते पत्रकारों को खास न्योता देकर बुलाया था। इन पत्रकारों में आज तक पर ब्लैक एंड व्हाइट नाम से एजेंडाबाजी करने वाले सुधीर चौधरी, न्यूज 18 इंडिया में एंकर लेकिन देश में गुल्लू के नाम से मशहूर अमीश देवगन और टीवी इंडस्ट्री में अंजना ओम मोदी के नाम से जानी जाने वाली अंजना ओम कश्यप समेत कई पत्रकार उर्फ चाटुकार उर्फ एजेंडाबाज मौजूद थे। संसद के नए भवन के उद्घाटन में ये लोग शामिल हुए तो इनकी आव भगत खुद बीजेपी नेता करते नजर आए। इस तस्वीर में आप देश के गृह मंत्री अमित शाह समेत कई बड़े नेताओं और मंत्रियों को देख सकते हैं। एक मेज पर सभी लोग ऐसे बैठे थे जैसे मानो बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक हो रही हो, चुनाव कैसे जीता जाए इस पर मंथन हो रहा हो। पार्टी मीटिंग में पार्टी के असली अध्यक्ष सभी पदाधिकारियों को दिशा निर्देश दे रहे थे। कुल मिलाकर घर का माहौल था और घर में ही ये सब तय किया जा रहा होगा कि कैसे देश में मोदी लहर के नाम पर हल्ला मचाए रखना है। मुमकिन है एजेंडाधारी पत्रकारों को ये समझाया गया हो कि कौन सी खबर दिखानी है और कौन सी खबर छुपानी है। तस्वीरें अब लीक हो गई हैं। तस्वीरें लीक हुई तो जनता ने भी मौका नहीं गवाया और दावते एजेंडा जैसा टाइटल भी दे डाला। सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं कि अब तो कुछ भी ढका नहीं रह गया, सब सामने है। पार्टी के नेता मीटिंग कर रहे हैं और किसको किस एजेंडे पर काम करना है इसकी बारीकियां समझा रहे हैं। शायद यही वो वजह है कि देश का मनु मीडिया जनता के मुद्दों से ध्यान भटकाता है और राजा की ऐसी छवि का मायाजाल रचता है कि हर कोई बस हर हर मोदी घर घर मोदी के नारे लगाता नजर आता है। अमीश देवगन ने तो खुद संसद का वीडियो ट्वीट करके लिखा कि देखो कैसे संसद में मोदी मोदी के नारे गूंज रहे थे और इसके गहरे मायने हैं। अमीश देवगन नई संसद में खड़े होकर तस्वीरें खिंचा रहे थे ताकि जब कभी उनकी ईमानदारी पर महाराज सवाल करें तो वो सबूत के तौर पर उन्हें दिखा सके कि देखिए हुजूर, मैं तो वहीं खड़ा था जहां आपने मुझे खड़ा होने के लिए बोला था। कल जब एक तरफ नरेंद्र मोदी खुद को महाराजा घोषित कर रहे थे तब उसी वक्त उनकी प्रजा को राजदंड दिया जा रहा था। लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी मनु मीडिया वाले महाराज की जय जयकार कर रहे हैं और प्रजा को ही उसकी तकलीफों के लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। शास्त्रों में इसे ही ब्राह्मणवादी मीडिया कहा गया है। इस बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर लिखें।
ये ब्राह्मणवादी मीडिया भले ही आप लोगों की बात ना करे, लेकिन आपका अपना बहुजन मीडिया हमेशा आपकी बात करता रहेगा। इसलिए अगर आपको हमारा काम पसंद है तो आप हमें सपोर्ट भी जरूर करें। साथियों, अगर आपको द न्यूज बीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अम्बेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें, तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस QR कोड को स्कैन करें और न्यूज बीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। QR कोड के अलावा आप UPI के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी UPI ID newsbeak@yesbank पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज बीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358700000640, IFSC कोड है SB000235, बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें। टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।